पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने तहसील धारचूला और बंगापानी के अंतर्गत देवीबगड़, भैरवबगड़, मदकोट में मंदाकिनी नदी से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अलर्ट के दौरान हर समय जेसीबी मशीन तैनात रहेगी ताकि समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके। उन्होंने मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्रों को अति संवेदनशील बताया और संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारियों के तहत कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आज मुनस्यारी क्षेत्र में यहाँ पर कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जो जितना नुकसान हुआ था उसके आकलन के लिए पूरा टीम यहाँ पर आई थी, जिसमें देवीबगड़ और भैरवबगड़ जो दो गांव हैं, टोक हैं, इसमें मंदाकिनी रिवर से काफ़ी नुकसान पहुँचा है, सड़क भी कटी है और कुछ घरों का विस्थापन भी कराया गया है। तो इसका नुकसान का जायजा लिया है। यहाँ पर सिंचाई इरीगेशन के डिपार्टमेंट से भी एक्सन साहब मौजूद हैं, यहाँ से ग्रिफ से भी उच्चाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको निर्देश दिया जा चुका है ताकि कोई फर्दर नुकसान ना हो। और जो अभी नुकसान हो चुका है उसमें जो भी रिलीफ है, राहत सहायता है, उसके लिए भी तहसील प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि उनको तत्काल ही राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। और कुछ सड़कों, यहाँ की जनता से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुछ सड़कें काफ़ी दिनों से बंद हैं, तो इसके लिए जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिया जा चुका है कि उनको तत्काल खोलें ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा बनी रहे। और साथ ही साथ सभी लोगों से यही अपील है, यहाँ मुनस्यारी क्षेत्र है, धारचूला क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी आपदाग्रस्त एरिया है और काफ़ी बारिश भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो आप लोग ये मौसम के बारे में जानकारी करके ही बाहर निकलें, अनावश्यक जर्नी ना करें और आप सुरक्षित रहने का प्रयास करें। वहीं धारचूला कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि यहां पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे कि अब जल्द ही बंद पड़ी सड़कें खुल जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है, ये आपदा का समय है, जिससे कि हम सबको एक साथ मिलकर पार करना है। आज आपदा क्षेत्र में जिलाधिकारी आई हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन का टीम है और बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के बीच है और मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है जिस गति से हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर काम किया है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, बहुत जल्दी जो ये तटबंध का निर्माण है ये भी हो जाएगा। जो सड़कें बंद हुई हैं उसके लिए जहाँ पर धन की आवश्यकता हो रही है, जिलाधिकारी मैम से भी ने भी कहा है और हम सब लोग मिलके, क्योंकि आपदा का समय है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। मेरी जनता से भी अपील है, उनसे जो है मेरी उनसे निवेदन है कि हम गलत मैसेज कन्वे न करें और हम सबको मिलके, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना, इस आपदा में हम सबको अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करनी है। और मेरा विशेषकर क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि बरसात के समय में बिना वजह घर से न निकलें और अपने अगल बगल अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही है तो उसके तमाम जितने हमारे हेल्पलाइन है उस पर दें, मैं खुद यहाँ पर उपलब्ध हूँ, मुझे बताएं और हम सब मिलकर शासन प्रशासन सरकार मिलकर जो है इस आपदा की घड़ी में हम एकजुट होंगे और इसे धारचूला विधानसभा के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।